एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं मैथ क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ। यूकेजी क्लास के लिए ये सेट वन है और जस्ट ये सेट टू है। तो हम आज के वीडियो में यही एक डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से बच्चों को एक अच्छी प्रिपरेशन दे सकते हैं जिससे कि एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो और उनका अच्छा रिविज़न हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले था कि इस तरह से बैक काउंटिंग हमने सेट वन में बच्चों को दी थी 81 to 60, और यहाँ पे हमने 80 लिखा था और यहाँ तक बच्चों को था कि 60 तक बैक काउंटिंग लिखनी थी। एग्जाम्स में इस तरह से जो बैक काउंटिंग है वो दी जाती है लिखने के लिए, तो आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। 100 to 80 करा सकते हैं, 80 to 60 और 60 to 50, 50 to 30 इस तरह से बच्चों को दिया जाता है लिखने के लिए। तो आप बच्चों की एक अच्छी प्रैक्टिस करा सकते हैं इसके ज़रिए। राइट नंबर नेम, बच्चों को नंबर नेम की एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में है उनका ये सिलेबस होता है कि 1 to 100 उनको नंबर नेम जो है वो कम्प्लीट होने चाहिए। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नेम्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं क्योंकि जब तक उन्हें नंबर नेम लर्न नहीं होंगे वो नंबर्स के अकॉर्डिंग जो वर्कशीट्स आती हैं, बहुत बार क्या होता है कि उन्हें मैचिंग करनी होती है, बहुत बार होता है कि उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और बहुत बार होता है कि उन्हें इस तरीके से नेम लिखने को दिए जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें नंबर नेम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नंबर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मान लीजिए नंबर नेम है तो आप एक पेज में सिर्फ उनको नंबर नेम लिखने को दीजिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चों को जो नंबर नेम है वो क्लियर है। सबसे पहली बात है कि 1 to 9 जो नंबर है, 1 to 20 आप ले लीजिए क्योंकि 13, 11, 12 इनमें स्पेलिंग अलग होती है। 1 to 20 की स्पेलिंग आप अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए बच्चों को, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 20, 30, 40, 50 इनकी स्पेलिंग कंप्लीट है तो उसके बाद जस्ट उनको 1, 2, 3 ऐड करके लिखना होता है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को कंप्लीट कराएंगे तो उन्हें नंबर नेम लर्न करना इजी भी होगा और जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। तो सबसे मेन बात है कि आप बच्चों को 1 to 20 नंबर नेम अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए और उसके बाद उन्हें बताइए 20 + 1, 21 होता है तो 20 और फिर 1 की स्पेलिंग, 22 की स्पेलिंग, 23 की स्पेलिंग। इससे क्या होगा कि उनको नंबर नेम लर्न करना इजी हो जाएगा, उनको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ किस तरह से लिखना है। तो 1 to 20 के बाद हमें 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनकी जो स्पेलिंग है वो अच्छे से कंप्लीट करानी चाहिए क्योंकि 21 चाहे 31 चाहे 51 उसके बाद तो फिर 30 के साथ 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करना होता है, तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट है राइट द लार्जेस्ट नंबर। अब बच्चों को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो पता करने आने चाहिए। अगर आप वीडियो देखोगे तो हमने उसमें क्लियर किया है कि बच्चों को किस तरह से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर हमें पहले मिलता है वो नंबर छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉल होता है, और जो बाद में मिलता है वो लार्ज नंबर होता है, बिगर नंबर होता है। ओके, लेकिन अगर इस तरह से है बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें वो दूसरा भी मेथड ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए वो टेंस की प्लेस को कंपेयर कर सकते हैं, 7, 6, 3, 5 इनको कंपेयर कर सकते हैं। इनमें 7 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 78 जो है वो बिग नंबर हो जाएगा। तो उनको मेथड एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दीजिए जिससे कि उनको क्लियर हो जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करना है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें ये सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप इस तरह से लार्जेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की तैयारी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर में इस तरह से भी आता है बच्चों को, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 7, 5, 1, 3, 9 और यहाँ उनको उनके ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं, यहाँ वर्ड्स में लिखने हैं, तो इसकी भी तैयारी बच्चों को होनी चाहिए। नेक्स्ट है उनके सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर आफ्टर बिटवीन के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों को यहाँ पे खुद ही आइडेंटिफाई करना था कि कहाँ हमें बिफोर लिखना है, कहाँ आफ्टर लिखना है, कहाँ बिटवीन लिखना है। तो बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि अगर 1 बैक है, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, उनका बिफोर नंबर होता है। अगर फॉरवर्ड के लिए है तो यहाँ पे आफ्टर नंबर होता है, और अगर 2 नंबर के बीच में स्पेस है तो वहाँ पे उन्हें बिटवीन नंबर फिल करना होता है। अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो सेट 1 का वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना, वो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यूकेजी क्लास के अगर प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ आपको सभी वर्कशीट जो है अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों को स्किप काउंटिंग दी जाती है, तो यहाँ पे 2 स्किप की काउंटिंग है। तो बच्चों को 2 स्किप का मतलब समझाना चाहिए कि हर नंबर्स में 2 को प्लस करते हुए आपको फॉरवर्ड जाना है, वो हो गया 2 स्किप। पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल,
ये साइन बच्चों को पुट करना आना चाहिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि वो अगर नंबर पहचानते भी हैं कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है ऐसे करके, तो वो साइन देते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उनको क्लियर कीजिए कि जो नंबर बड़ा होता है उधर ओपन साइड होती है और जो नंबर छोटा होता है स्मॉल होता है वहाँ पे क्लोज साइड होती है। आप जितनी प्रैक्टिस कराओगे उनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वल, उन्हें पता है कि दोनों नंबर अगर सेम है तो हमें इक्वल देना है, बच्चों को ये क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द शेप एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे जो शेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है। बच्चों को शेप्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनके स्पेलिंग्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है इस तरह के सवाल हैं, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, देन 7 डेज, विच मंथ कम्स आफ्टर मे, जून। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको बच्चों को करानी चाहिए। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, 24 आवर्स। ओके, और आज की वीडियो जो थी उसमें हमने इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग दी थी, इससे भी आप बच्चों के अच्छी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम्स में बांटा हुआ है, ए बी सी डी अलग अलग हैं और ये छोटी छोटी लाइंस हैं, 30 से 24 है, 61 से 55 है, 9 से 4 है, 20 से 15 है। और यहाँ पे हमने करेक्टली 80 to 60 लिखा था और बच्चों को इतना पूरा फिल करना था, लेकिन यहाँ पे हमने बस शॉर्ट शॉर्ट लाइंस दी हैं जिससे बच्चे बैकवर्ड काउंटिंग को क्लियर कर सकें और उनको जो अच्छे से जो कंप्लीट होता है कि हाँ बच्चों को किस वे में लिखना है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमने ऑरिजिनल नंबर को इस तरह से दिया हुआ है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पे किस तरह से दिया था ऑरिजिनल नंबर, जिससे कि उन्हें स्पेलिंग भी कंप्लीट हो और जो ऑरिजिनल नंबर है वो कैसे लिखना है वो भी उनको कंप्लीट हो। और आज के में हमने उनको मैचिंग के लिए दिया जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उनकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग, हमने इस तरह से दी हुई है, 2 skip, 5 skip, 10 skip, 2 skip और बच्चों को इस तरह से दिया था जिससे कि बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट में है यहाँ पे टेंस और वंस के प्लेस जो है वो क्लियर करते हुए बच्चों को नंबर फिल करने थे। जैसे यहाँ पे 69 है तो ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, 6 tens और 9 ones, इस तरह से लिखना था, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों को प्लेस क्लियर होने चाहिए कि कौन सा वंस है और कौन सा टेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पे पिक्चर काउंटिंग करनी है, उन्हें ये जो सर्कल्स थे एडिशन बाय पिक्चर काउंटिंग, एडिशन करना है उनको इसे काउंट करते हुए। इससे क्या होता है उनको एडिशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, उन्हें पता चलता है कि एडिशन में हमें दोनों चीज़ को एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखना होता है। जैसे 1 2 3 + 1 2 3, 3 + 3 = 6, 1 2 3 4 5 6, तो एडिशन क्या हो जाएगा उसका, 3 + 3 = 6। इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एग्जाम्स में भी इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर लाइन पे सब्सट्रैक्शन करना था, 5 - 3 = 2। तो बच्चों को है कि एडिशन में जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं आगे के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम माइनस करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या होता है बैक जाना होता है। तो बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आप एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं इन वर्कशीट के साथ। आई होप ये जो वर्कशीट्स आइडियाज़ हैं वो बच्चों की स्टडी में, बच्चों के एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको कॉपी कर सकते हैं, बच्चों को इनका पूरा रिवीजन करा सकते हैं जिससे बच्चों का जो सिलेबस है जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो हम अपने लास्ट वीडियोज़ में अपलोड कर चुके हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से रिवीजन के लिए चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। यहाँ हमने आज की वीडियो में सेट 1 और सेट 2 आपके साथ शेयर किए जिससे आप बच्चों का जो सिलेबस है वो कवर करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आइडियाज़ लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।